नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल के आई कि कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, जल्द बढ़ेगा वेतन, खाते में 96,000 रुपये तक बढ़ेगी राशि। तो सभी कर्मचारी जाने कि उनके खाते में 96,000 रुपये तक की बढ़ोतरी कैसे होगी। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच के। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, कर्मचारियों को जल्द बड़ा तोहफा मिलेगा। दरअसल 7th पे कमीशन के तहत कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि देखी जा सकती है। महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की घोषणा कर दी गई है। इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। वहीं बेसिक सैलरी को बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। सरकार द्वारा लगातार संगठनों से इस मामले पर चर्चा की जा रही है। इस साल के अंत तक कर्मचारी के फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि का लाभ देखने को मिल सकता है। दोस्तों, कर्मचारी संगठन लगातार न्यूनतम वेतन की सीमा को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल की न्यूनतम वेतन की सीमा 18,000 रुपये निर्धारित की गई है, जबकि वेतन वृद्धि में फिटमेंट फैक्टर को काफ़ी प्रमुखता से देखा जाता है। फिटमेंट फैक्टर 2.57 है, इसे बढ़ाकर 3.68 गुणा करने की सिफारिश की गई है। ऐसा होने की स्थिति में कर्मचारी की न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगा। इसके साथ ही सालाना कर्मचारी के खाते में 96,000 रुपये की अतिरिक्त वृद्धि देखने को मिलेगी। दोस्तों, जानकारी की माने तो दिसंबर के अंत तक फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि देखी जा सकती है। बढ़ोतरी में बेसिक सैलरी में 8,000 रुपये तक का इजाफा देखने को मिल सकता है। इसके लिए विभागीय राय ली जा रही है। बेसिक सैलरी बढ़ने के साथ ही कर्मचारी को बढ़े हुए डीए का लाभ भी मिलेगा। दोस्तों, दरअसल डीए का निर्धारित बेसिक सैलरी के माध्यम से किया जाता है। वही यदि फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना से बढ़कर 3.68 गुना होता है तो ऐसे में वेतन में 44.44% की वृद्धि देखने को मिलेगी। दोस्तों, इससे पहले एक तरफ जहां सरकार ने संसद में स्पष्ट किया था कि फिलहाल 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई तैयारी नहीं है, दूसरी तरफ कर्मचारी संगठन द्वारा लगातार 8वें वेतन आयोग की मांग की जा रही है। कर्मचारी यूनियन का कहना है कि 7वें वेतन आयोग के जरिए उन्हें कम सैलरी का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है, जबकि सिफारिश अधिक वेतन की गई है। ऐसे में कर्मचारी संगठन द्वारा एक ज्ञापन तैयार किया गया है जिसमें सिफारिशों के अनुरूप सैलरी बढ़ाने और 8वें वेतन आयोग लागू करने की मांग की जा रही है। हालांकि सरकार ने यह स्पष्ट कह दिया है कि फिलहाल 8वें वेतन आयोग को लागू करने का कोई विचार नहीं है। इसके बाद कर्मचारी की उम्मीद है कि फिटमेंट फैक्टर को जल्द ही वृद्धि देखी जाए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।